Hey guys, welcome back to my channel. You're watching Hobby Beach, and if you have not subscribed to my channel, please do that first. And if you like this video, please like, share. So let's start this Deepavali vlog, and we started with some Deepavali shopping. Diwali shopping. Chandu, kuch bola hai? Shopping ka list bada hai, gala sukh jaa raha hai. Ho gaya, kuch bhi shopping nahi kar rahe hain hum is baar. We went to Vishal to pick up few items to decor our house as well as few necessities. उसके बाद हम चले गए local market. So we came here for diyas. ये दिवाली की दो दिन पहले की बात है जब मैं सोच रही थी कि light लगवाऊंगी and these are the lights which I have. Few like multiple colors and कुछ yellow and white lights. तो चलिए अब जल्दी से कॉरिडोर को डेकोर करते हैं. लाइट्स विल बी इन द कॉरिडोर इटसेल्फ. तो मैंने जैसे डेकोरेशन सोचा है, आई हैव टू यूज दिस सेलो टेप टू पुट ऑन द लाइट. तो देखते हैं लाइट टिक पाती है कि नहीं. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. लेट्स ट्राई पुटिंग ऑन द लाइट्स एंड आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट इट. फॉर द लाइट डेकोरेशन आई स्टार्टेड विद कटिंग अप द सेलो टेप इन स्मॉल पीसेस एंड सो दैट दोज आर हैंडी विद मी. उसके बाद मैं जल्दी से लाइट्स को लगवाऊंगी एंड आई एम डूइंग इट ऑल ऑफ माय ओन. उसके बाद पापा आएंगे टू हेल्प मी इन द कनेक्शन एंड टू हैंगिंग अप द लाइट्स. इसके बाद हम दोनों ने कनेक्शन पे काम किया एंड इट वाज ऑल डन. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. टुडे इज धनतेरस. आज छोटी दीपावली संडे. सो हैप्पी दीपावली टू ऑल. एंड शांतु आ रहे हैं, ही इज ऑल सेट. तो छोटी दिवाली बड़ी दिवाली मुझे समझ में नहीं आता. मुझे मिल गया मेरा पटाखा. हाँ. पटाखा अभी ये सनलाइट में देना है बिकॉज कोई भी पटाखा मिस हो गया तो मेरा दिवाली मिस हो जाएगा. इसीलिए मैं पूरा इसको इतने सारे पटाखा खरीदती हूँ, सारे धूप में दूंगा मैं. तो यही पे धूप आती है तो हम लोग इधर ही बिछा देते हैं पटाखे. तो आज फिर धनतेरस भी है, कल से ही स्टार्ट हो गया है. तो आज हम थोड़ा खरीदारी करने जा रहे हैं. फिर लंच का जो सीन है वो मेरे घर पे है. फिर इवनिंग स्नैक्स का सीन है इस घर पे है. एंड पटाखे फिर फोड़ना है. तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में. एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. तो चलिए दिन को स्टार्ट करते हैं. आई स्टार्टेड विद डेकोरेटिंग माई हाउस. सबसे पहले मैंने सोफ़ा के जो कुशन कवर्स थे उनको चेंज किए, उनको सेट किए फॉर दिवाली सेलिब्रेशन. इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एंड हमारे लिए ब्रेकफास्ट आ चुकी है. हमारी जो हम जिस घर पे रहते हैं उनका जो ओनर है आंटी, सो दीप्ता आंटी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट दिया है एंड शी इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग. तो मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है. एंड ब्रेकफास्ट में मेरा फेवरेट है, ऐसा बोल सकते हो. लाइक मुझे ये छोले और पूरी बहुत पसंद है. तो थैंक्स टू आंटी. एंड दिखाती हूँ अभी क्या है ब्रेकफास्ट में. पूरी, छोले एंड रसगुल्ला. ये हो गया तुम्हारा फेवरेट है ना. तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का दिन आपके साथ कटेगी आज. बोलो तो चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट करने. अभी तक मैं इवनिंग के लिए स्नैक्स प्रिपेयर कर रही थी एंड जो भी मैंने प्रिपेयर किया है उसका रेसिपी मैं अलग से अपलोड करूँगी क्योंकि ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो जाएगा. तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ एंड शांतु इज ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो आउट. तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग, धनतेरस शॉपिंग. रात सोना गहना और क्या क्या खरीदना है? नहीं कुछ भी नहीं खरीदना है, बस टेम्पल के लिए घर के जो मंदिर है उनके लिए थोड़ा सा सिल्वर और मे बी सामान. तो अभी पहले सबसे पहले हम जा रहे हैं घर मम्मी पापा को पिक करने बिकॉज वो लोग भी परचेस करेंगे आज हमारे साथ ही. तो अभी हम ड्राइव करेंगे एंड वी आर गोइंग टू आवर मॉम्स प्लेस. हैप्पी दीपावली एंड हैप्पी धनतेरस फ्रॉम माय फैमिली टू यू गाइस. तो अभी हम लोग शॉपिंग जा रहे हैं, उसके बाद हम लंच करेंगे. हम सबसे पहले एक दुकान जा पहुँचे जहाँ पे ब्रास की मटेरियल मिल रही थी एंड दिस आर गुड फॉर मंदिर जो घर के जो टेम्पल्स हैं उनके लिए. तो हमने वहाँ से कुछ पिक किए हमारे मंदिर के लिए, मम्मी पापा ने भी लिया एंड उसके बाद हम घर चले गए. धनतेरस शॉपिंग. यस हाँ, और हम लोग ने ये दिया खरीदा भगवान के लिए
फॉर टेम्पल, हमारे घर के मंदिर के लिए, और मैंने ये वाला लिया है क्योंकि फिर हम लोग नया घर पे शिफ्ट होंगे तो भगवान को सजाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ेगा ही। इसलिए पहले ये यस। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे पटाखों की बहुत सारी शॉप्स बैठ गई है। मंदिर के लिए तो शॉपिंग हो गई थी, तो इसके बाद हम चले गए सेनको, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे बहन के लिए कुछ पिक करने वाले थे। एंड जो भी कुछ पिक करने वाले हैं वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। एंड दिस इज व्हाट दे गॉट फॉर हर। एंड देन वी केम बैक टू मॉम्स प्लेस फॉर लंच। हाँ, बहुत ही गहरी डिस्कशन चल रही थी। मम्मी को मनाया जा रहा था कि उन शांतु को थोड़ा पैसा दे दे फॉर क्रैकर्स, एंड एट लास्ट मम्मी ने कुछ पैसे दे दिए हमको क्रैकर्स लाने के लिए। पेट भर खाना खाने के बाद पेट भर बम फोड़ना है। और अभी से हम लोग स्टार्ट करेंगे बम फोड़ना। तो सबसे पहले हमको ऐसा लगा कि हमने जितना बम खरीदा है, जितना पटाखे खरीदा है, वो थोड़ा कम हो गया है। लाइक दो तीन दिन नहीं चलने वाला है, शांतो तो आज ही खत्म कर देने वाले सब कुछ। तो हमें ऐसा लगा कि थोड़ा सा और लेना चाहिए, तो हम कुछ शॉर्ट्स एंड यू नो थोड़ा सा पटाखे खरीदने चले गए। बस इतना सही खरीदा है और रंगोली भी ले लिया है। एंड अभी जाके घर जाके थोड़ा सा पटाखे फोड़ना है, उसके बाद रंगोली भी बनाना है। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टास्क। अंकल बोल रहे थे कि ये ढील बोम है। ढील बोम मतलब ढील मतलब थ्रो करना, ढील पकड़ने से फट तो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, भलो हो जाए तो पटाखों के साथ एंजॉयमेंट करने के बाद हम घर आ गए। एंड फिर मैं रंगोली डालने लगी विद फ्लावर्स एंड कलर्स। सो अभी तक मैंने दोनों रंगोली कंप्लीट कर दिए हैं। छोटा छोटा सा ही मैंने रंगोली बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया है। अब मैं सब कुछ रेडी करने वाली हूँ फॉर कैंडल्स एंड दिया। उसके बाद एक और रंगोली बनाना है एंड आई थिंक आई विल बी डन। तो पहले चलिए अभी दिया के लिए सब कुछ रेडी करते हैं। तो पास कुछ कैंडल स्टैंड्स है लाइक दिस, मेरे पास कुछ कैंडल स्टैंड्स है एंड इसके साथ आई हैव ऑल दिस एंड ये भी है जिसमें मैं फ्लावर्स ऐड करने वाली हूँ। तो अभी इनको रेडी कर। आई स्टार्टेड विद पोरिंग फ्रेश वाटर एंड सम फ्रेश फ्लावर्स इन दिस। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्लोटिंग कैंडल्स डाल दूंगी। उसके बाद आई हैव दिस वास काइंड ऑफ थिंग, ये भी ग्लास का है, इसमें भी मैं पानी एंड कुछ कैंडल्स एंड फ्लावर्स डाल दूंगी। एंड देन आई हैव दिस कैंडल स्टैंड जिसमें कैंडल रखने की अलग जगह है, यू जस्ट नीड टू पुट अ कैंडल एंड फिट दिस इनसाइड। एंड नाउ इट वॉज फाइनली टाइम टू लाइट अप द कैंडल्स एंड सेट दिस रूम फॉर द सेलिब्रेशन। सो लेट्स बिगिन। दीपावली डेकोरेशन चल रहा है यहाँ पे। शांतु इज गिविंग डायरेक्शन। व्हाट डायरेक्शन? पूरा मैनुअल। शांतु सासुरी डायरेक्शन। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको डेकोरेशन दिखा देती हूँ। सो फर्स्ट दिस इज माय फर्स्ट रंगोली हियर एंड ऑल्सो इट वॉज टाइम टू लाइट अप ऑल दी दियाज। तो मैंने घर के अंदर दिया से सजाया है एंड घर के बाहर लाइट से। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। And this is our first bedroom rangoli. And this is our master bedroom rangoli. That's it. And now let's check out how I have decorated the house with some candles. So yahan pe maine wine glasses use kiya hai to set the dining table. And then I have placed these candles in this window. And center table mein maine ye kaach ka bowl rakha hai with the flowers and this candle stand. हमने हर एक बेडरूम में दियाज लगाए, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड दिस इज आवर सेकंड बेडरूम एंड लास्टली आवर बालकनी। समोसा चाय और चुस्की के साथ थोड़ी गॉसिप होगी, है ना शांतु? शांतु इज ऑलवेज ऑलवेज बिजी इन हिज फोन, बट उसी ने चाय बनाई है। तो अभी हम समोसा खाएंगे। समोसा आपने बनाई है? हलवाई हो क्या? अच्छा, हाउ दी बिल्डिंग इज डेकोरेटेड। ये है बिल्डिंग। उसके बाद हमने बहुत एंजॉय की, हमने बहुत सारे पटाखे फोड़े। हैप्पी दिवाली।
इज शांतु इज विद जगमग बम। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ प्रैक्टिस मेरी बहन को भी आ ही गई ये पटाखे फोड़ने का तरीका। एंड नाउ फाइनली इट वॉज माई टर्न, शांतु बस इंसिस्टिंग, तो मुझे लगा लग चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। बट यू नो एक फ्लो आने के बाद मुझे डर नहीं लगेगा, बट ये फर्स्ट टाइम जो है उसमें डर लगता है, उसके बाद आई एम ऑन माई ओन। सालों के बाद जब अचानक से पटाखा फोड़ने की बात आती है तो थोड़ा सा डर लगता ही है, तो बारी बारी से हम सारे ही पटाखे फोड़ रहे थे एंड इट वॉज क्वाइट यू नो इंगेजिंग, क्योंकि हम डर भी रहे थे। हाउएवर बहुत डिफरेंट टाइप्स के पटाखे भी लाए। गहरी डिस्कशन चल रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गहरी डिस्कशन। शांतु टुशी को टेक्निकलिटी समझाते हुए, एंड दिस इज द पटाखा, अब इसका जलवा शुरू होगा। Then it was time for some rockets. उसके बाद हमको लगा कि it was getting cold outside. तो what can be best than momo? तो हम momo खाने चले गए। So now it's time for momos. We have come here. और अभी रात के बज रहे हैं 10 और हम अभी यहाँ पे momo खाने आ गए हैं। सबसे पहला प्लेट गया शांतु को बिकॉज ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर मोमोज। यहाँ के जो मोमोज थे आई टेल यू दे वर हॉट स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी था। एंड देन आफ्टर हैविंग मोमो हम घर चले गए। शांतु को कोई और जगह ही नहीं मिला, अभी उसने रोड ढूंढ लिया है, खाली सा रोड जहाँ पे वो पटाखा फोड़ना चाहते हैं, बिकॉज रेजिडेंशियल एरिया है और ज़्यादा साउंड भी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ आ गए हैं एक रोड पे। एंड हम यहाँ पे थोड़ी देर पटाखे फोड़ेंगे फिर अपने घर जाएंगे फॉर डिनर। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि फॉर डिनर वी आर हैविंग पाव भाजी, यह है पाव एंड उसके साथ है शाही टुकड़ा। डे टू दीपावली, आज हम अभी मम्मी पापा के घर आए हैं एंड अभी बहुत पानी पूरी खाने का मन किया, तो अभी हम पानी पूरी खाने जाएंगे, उसके बाद लंच करेंगे एंड देन इवनिंग वी विल गो टू पंडाल। तो अभी हम जा रहे हैं पानी पूरी टाइम। खाना भी स्टार्ट कर दिए शंतु पोदर, हाउ कुड यू डू दिस, ऑसम ना अंकल, हमने चार्ज दिए। सेकेंड डे मौसम ऐसा था कि आफ्टर हैविंग पानी पूरी एंड लंच हम लोग घर में ही रुक गए बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेवली एंड हम लोग फायर क्रैकर्स भी पर्स नहीं कर पाए, सो नथिंग वॉज डन दैट डे। सो गाइज दिस इज इवनिंग डे टू दीपावली एंड क्योंकि आज काली पूजा भी है, चल जाएंगे एंड प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी तो फिलहाल यही है कि चाय पीना है और दिए भी जलाने हैं, बट बहुत हवा चल रही है बाहर, तो देखते हैं कितना कर पाते हैं यार। एंड नाउ शांतु इज हेल्पिंग मी विद द दियास, तो दिए को अच्छे से लाइट अप करके हम हर एक कॉर्नर में, अपने घर के कॉर्नर में दिए लगाने वाले हैं टू लाइट अप दिस हाउस। हेलो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ, बाटाकली मंदिर एंड वहाँ पे थोड़ा सा पूजा वूजा करेंगे। उसके बाद ये है कि इट्स रेनिंग, बारिश ने बहुत खराब कर दी मौसम एंड पटाखा कहाँ फोड़ेंगे, पानी से भीगी जाएगा, तो पहले मंदिर जाते हैं उसके बाद देखेंगे कि क्या और होता है, तो बने रहिए हमारे साथ। आप सामने देख ही सकते हैं मूर्ति ले जाते हुए और पीछे से, एंड ये मेरी बहन पीछे से ब्लॉगिंग करते हुए। हम दो बारिश में टेम्पल पहुँच गए हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। I tell you, even though it was raining, crowd was like crazy and people were waiting for their turn to light up the candles and agarbatti and to do puja. And uske baad hum apne ghar aa gaye and then what could be better than coffee and samosa?
सो टुडे वी हैड कॉफी एंड समोसा। गाइस क्लोजिंग डे टू दीपावली, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है बाहर एंड इट्स जस्ट वेरी विंडी एंड स्टॉर्मी आउटसाइड कि हम फायर क्रैकर्स भी चला नहीं पाए, यू नो वी कैन नॉट हैव फन टुडे, बट वी हैड अ गुड कॉफी टाइम एंड फैमिली टाइम। तो दिस इज द हालत, बाहर बहुत ही कम लोग पटाखे फोड़ पा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। सो चलो, तो आज का दिन हम लोग यही क्लोज करते हैं एंड मिलते हैं कल, तो सी यू सून एंड लेट्स सी, कल अगर वेदर अच्छा रहा तो बहुत बहुत मज़ा करेंगे, बहुत घूमेंगे, पंडाल ओपिंग भी करेंगे, तो मिलते हैं कल। नेक्स्ट डे ये ब्लॉग मैं मम्मी पापा के घर से ही स्टार्ट कर रही हूँ एंड यहाँ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पापा ने लाइट से इस घर को सजाया है। जैसे कि आपको पता ही है, बीच में एक दिन बारिश की वजह से हम लोग पटाखा जला नहीं पाए, तो थर्ड डे द फाइनल डे ऑफ दीपावली हमने पहले से ही पटाखा जलाना स्टार्ट कर दिया है। यू नेवर नो कब बारिश हो जाए, कब मौसम बिगड़ जाए, इसीलिए वी हैड ब्लास्ट विद पटाखास। उसके बाद हम पंडाल होपिंग के लिए निकल गए। सबसे पहले हम कुछ पंडाल्स गए एंड टू सी हाउ द सिटी इज डेकोरेटेड, तो दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस वीडियो। एंड चलते चलते हम अपने फर्स्ट पंडाल पहुंच ही गए। उसके बाद हम इस पंडाल में पहुंच गए। इस पंडाल का जो थीम था, इट वाज गिविंग ट्रिब्यूट टू आवर बिलव्ड केके सर एंड लता मंगेशकर जी। तो यहाँ पे उनके फोटोज थे एंड दे वर प्लेइंग केके सर्स म्यूजिक, सो इट वाज क्वाइट गुड। एंड द आइडल, जो माँ काली की जो मूर्ति थी, इट वाज आल्सो वेरी यूनिक, जैसे कि आपने देखा। टेम्पल चेंजिंग चल रहा है, इनसे और हील से हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा मड है एंड नाउ शी इज वेयरिंग अ फ्लैट। कौन बोला था हील पहनने तुमको? स्टाइल के लिए सोची कि पहन लो, फिर स्टाइल निकल गया। हाँ, बारिश में स्टाइल निकाल दिया मेरा। हम पूरा लेके चल रहे हैं बैग वगैरह। एंड दिस वाज अवर थर्ड पंडाल ऑफ द डे एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी एज अ प्रसाद एंड शांतु तो पहले ही स्टार्ट हो चुके थे। मुझे भी खाना था बट मुझे हाथ गंदा नहीं करना था, तो शांतु को मैंने बोला प्लीज़ मुझे खिला दो एंड शांतु वॉज सो काइंड टू हेल्प मी विद द खिचड़ी एंड हियर माई सिस्टर इज इंजॉइंग खिचड़ी टू। And then we went to this pandal. It was kind of light garden, garden full of lights. And iska jo murti tha, it was totally different from others. It was very beautiful and unique, I would say. उसके बाद हमने फ्लाई ओवर क्रॉस किया एंड वेंट टू द अदर साइड ऑफ द टाउन एंड ये वाला पंडाल मुझे बहुत पसंद आया। लेट मी गेट यू इनसाइड दिस। दिस पंडाल वॉज ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, इट वॉज फुल ऑफ ब्लू थीम, ब्लू एंड पिंक थीम आप देख ही सकते हो। डेकोरेशन वॉज ऑल्सो वेरी यूनिक। एंड उसके बाद हम फिर घर पहुँच गए टू फिनिश दिस डे विद सम फायर क्रैकर एंड फायर वर्क्स। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट माई दिवाली सेलिब्रेशन, एंडिंग अप दिस डे विद मोर फायर क्रैकर्स एंड फायर वर्क। I hope you like this video and if you do, please do like, share and subscribe to my channel which is Hobby Beach, and see you soon in our next video.